अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जानी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। छत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ यहाँ चल रहा है। आचार्य देव जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं ये ज़्यादा धर्म कर लेंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ये धर्म धर्म में लगे रहोगे गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन भाई ये धर्म करने से गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, गृहस्थी सुधरती है। ज्ञानी धर्मात्माओं की गृहस्थी बिगड़ी हुई नहीं होती, सुधरी हुई होती है। अज्ञानियों की गृहस्थी जैसी चलती है उससे कई गुना अच्छी चलती है ज्ञानियों की गृहस्थी, क्योंकि विवाद और झगड़े का कोई कारण नहीं होता। आप कहेंगे जब कोई एक व्यक्ति धर्म धर्म में लगा रहेगा तो फिर झगड़े तो होंगे ही ना, कि नहीं भाई झगड़ा एक तरफ कभी नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। और दो में से यदि कोई एक व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म समझने वाला हुआ तो फिर झगड़े का क्या काम, एक तरफ से तो शांति हो ही गई ना। अब एक तरफ से शांति हो गई तो दूसरी तरफ से झगड़ा अकेला कैसे चलता रहेगा। ये झगड़ा भी इसका मूल कारण वचनों की अभद्रता है। और कल यहाँ यह सिखाया गया कि आपका यदि वचन व्यवहार उत्कृष्ट है तो निश्चित रूप से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। अरे इसके लिए तो यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने यहाँ वशीकरण मंत्र शब्द का प्रयोग किया। क्या औरों को वश में करने का यदि कोई मंत्र है
तो वो मंत्र है आपकी मधुर वाणी, आपका मधुर व्यवहार, आपके मुख से निकले हुए अच्छे शब्द, ये निश्चित रूप से औरों को आपके वश में कर लेंगे, औरों को अपना बना लेंगे। यहाँ एक सुंदर लाइन आई थी, यदि मनुष्य की वाणी मधुर और विनम्रता से पूर्ण हो तो सामने वाले मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। यद्यपि जगत में दूसरों को ठगने वाले मनुष्य भी इस चीज का प्रयोग करते हैं, सो उनसे सावधान रहना। जो जिन लोगों की प्रवृत्ति औरों को ठगने की होती है, वे बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, और सामान्य सरल व्यक्ति उनकी मीठी बातों के बहकावे में आकर बहुत धोखा खा जाते हैं। इसलिए मीठी बातें बोलकर दूसरों को आकर्षित करना ये अच्छी बात तो है ही, लेकिन इसका सहारा लेकर औरों को ठग लेना ये उचित नहीं है। देखिए, तोते को भेजा गुणवाला ने जीवंदर कुमार को आकर्षित करने के लिए, और तोते ने आकर बहुत मीठी मीठी बातें कहकर जीवंदर कुमार का मन मोह लिया। जब जीवंदर कुमार तोते की मीठी मीठी बातों से वश में आ गए, माने ये मधुर वाणी जब वशीकरण मंत्र का काम कर गई, तो फिर तोते ने सोचा अब सही समय है अपना काम कर लेने का, अपनी बात रख लेने का। सो तोते द्वारा गुणवाला की भावना व्यक्त करना। 233 नंबर पेज। विषयेषु समस्तेषु कामं सफलयन्यः सदा गुणमालां जगन्मान्यां जीवयन् जीवता चिरम्। तोते ने कहा, संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करते हुए और जगत में माननीय गुणमाला को अथवा अपने जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते हुए चिरकाल तक जीवित रहो। क्या क्या कह दिया इसने, तोते ने जीवंदर कुमार से, कि संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करो, विषयों में अपनी इच्छाओं को सफल करते रहो, और जगत में जो माननीय है, मतलब जगत में जिसका बहुत सम्मान है, ऐसी गुणवाला को या जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते, गुणमाला मतलब वो मानो गुणमाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो गुणों की माला है, नाम उसका गुणमाला है, गुणों की माला है, और जगत में मान्य ऐसे जो गुण हैं जिनकी जगत में प्रशंसा होती है, उनकी रक्षा करते हुए गुणमाला की रक्षा की ना उसने, तो जगत में मान्य ऐसे गुणों की रक्षा करते हुए आप चिरकाल तक रहो। बात को थोड़े से अभी लपेट करके बात कर रहा है। देखिए, तोते ने कहा, हे युवक श्रेष्ठ जीवंदर कुमार, आप पंचेंद्रियों के सभी विषयों का सुखपूर्वक भोग करते हुए अपनी और गुणमाला की कामनाओं को सफल करो, और संसार में अपने मानवीय गुण समूह द्वारा गुणमाला की सुरक्षा करते हुए दीर्घ काल तक चिरंजीवी बनकर अपने जीवंधर नाम को सार्थक करो। लो, गुणमाला और जीवंधर दोनों शब्दों का अर्थ तोते ने अपनी चतुराई से बता दिया। गुण माला वो गुणों का समूह है, गुणों की माला है, और उसकी रक्षा, उसके जीवन की रक्षा करो, तो जीवन की को धरने वाले, जीवन की रक्षा करने वाले ऐसे जीवंधर, और सुखपूर्वक आप लंबे समय तक रहो। विशेषार्थ देखिए, गुणमाला और जीवंदर कुमार को, गुणमाला जीवंदर कुमार को पति रूप में स्वीकार करने की भावना रखती है। इस विचार को भली प्रकार से तोते ने जीवंदर कुमार के सामने रखा। जीवंदर कुमार ने भी तोते के भाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया। मैं डायरेक्ट तो नहीं कहा कि शादी करो, लेकिन ये तो कह ही दिया है कि आप उसकी रक्षा करो। देखिए फिर क्या हुआ,
जीवंदर कुमार का आनंद तो होना, जीवंदर कुमार भी मोहित तो हो ही गए थे, जीवंदर कुमार का आनंदित होना। इत्याशिषा कुमारोपी तत्संदेशाच्यपि प्रिये इष्ट स्थाने सतीवृष्टि सृष्टये ही विशेषतः। जीवंदर कुमार भी इस प्रकार के आशीर्वाद से और उस तोते के संदेश से अत्यंत प्रसन्न हुए। माने जीवंदर कुमार को ऐसा लगा जैसे मानो ये तोते ने कोई आशीर्वाद दिया हो, उसे नहीं मालूम ये तोता उसी का पालतू है। क्या ये तो कोई कोई पक्षी कहीं से आया और उस पक्षी ने आकर के इस प्रकार की बात कही तो लगा कि मानो ये कोई पक्षी राज ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो। निश्चय से इच्छित स्थान में हुई उत्तम वर्षा अधिकता से प्रसन्नता के लिए होती है। तोते से अपनी भावनाओं के अनुरूप गुणमाला का संदेश सुनकर और तोते के आशीर्वचन से जीवंदर कुमार अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि उपजाऊ भूमि में समय पर होने वाली वर्षा विशेष संतोषकारक फल देती है। ये तो नीतिकारों की नीति है। माने जगत में ऐसा देखा जाता है कि जो समय पर जो काम हो उसका कीमत कई गुना ज़्यादा हो जाती है, और समय निकल जाने पर किया गया कार्य भले ही किया है आपने लेकिन उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। समय समय की बात है, अवसर था उस समय आपके द्वारा कहे गए वचन, अवसर था उस समय आपके द्वारा किया गया सहयोग, किसी विशेष परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया प्रयत्न, वो बहुत गुणकारी होता है। मौके पर चौके वाली बात है, मौका था अब वो चूक गया, अब बाद में फिर आप कितना भी करें फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये बात यहाँ इन्होंने नीतिकारों ने ऐसी कह दी है कि उपजाऊ भूमि के समय माने मौके पर, समय समय पर माने मौके पर होने वाली वर्षा में किया गया प्रयत्न संतोषकारक फल देती है। देखिए आगे, जीवंदर कुमार तो गुणवाला को चाहते ही थे, स्वयं उसकी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुकूल संदेश सुनकर उनको अतिशय आनंद हुआ, जो स्वाभाविक ही है। अब जीवंदर कुमार का प्रत्युत्तर, जीवंदर कुमार क्या संदेश भेज रहे प्रतिसंदेशमप्येशयत प्रेक्षावंतो वितन्वंती नहीं प्रेक्षामपेक्षिते। जीवंदर कुमार ने उस तोते के लिए संदेश का प्रत्युत्तर भी दिया। निश्चय से नीतिकार क्या कहते हैं, निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते, अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते। बुद्धिमान पुरुष कैसे होते हैं, जो व्यक्ति आपको चाहे आप उसका तिरस्कार मत करो, ये बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है, ये नीतिकारों की नीति है। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते। एक बात और मार्मिक यहां ध्यान रखने योग्य है कि ज्यादा अपेक्षाएं रखना भी योग्य नहीं। आपको आपके मन में किसी की अपेक्षा है तो उसके तरफ से आए हुए अनुकूल बात को आप उपेक्षित मत करो, ये तो नीतिकारों ने यहाँ कही। और नीतिकारों ने ये बात भी कही है, आगे पीछे कहीं आई है, जिसमें ये कहा है कि आपके चित्त में यदि ज्यादा अपेक्षा है तो संभावना है आप उपेक्षा के शिकार होंगे। इसलिए किसी से भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, जो अपेक्षा रखेगा उसी की उपेक्षा होने की संभावना है। तो निरपेक्ष हो जीवन हमारा। देखिए, उपेक्षा नहीं करते अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते। जीवंदर कुमार ने भी गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर पत्र लिखकर तोते के द्वारा ही गुणमाला के पास भेज दिया, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु की उपेक्षा नहीं करते।
विशेषार्थ। जीवंदर कुमार विवेकशील और बुद्धिमान हैं, उन्हें गुणमाला की अपेक्षा तो थी ही, अतः उन्होंने तोते के द्वारा ही गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर भेज दिया, जिससे गुणमाला की भावनाओं की उपेक्षा न हो। माने उपेक्षा का अर्थ ऐसा भी यहाँ लगाया जा सकता है कि उसने भावना व्यक्त की और कोई जवाब ही नहीं देवे, उपेक्षा हो गई ना उसकी, ये अभी तो आया है, देखेंगे जवाब दे देंगे, ये ढीलेपन का काम नहीं होता। आपके ढीलेपन में उपेक्षा है। देखिए गुणमाला का आनंदित होना, मुमुदे गुणमालापि दृष्ट्वा पत्रेण पत्रिणम् स्वस्येव सपनो यत्न प्रीतये ही विशेषतः। गुणमाला भी तोते को पत्र सहित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, वो आते हुए देखा और देखा पत्र है साथ में, वो आते हुए देखकर ही प्रसन्न हो गई। निश्चय से स्वयं का किया हुआ यत्न ही सफल होने पर अधिक प्रीतिकर होता है। ये आधी आधी लाइन में जो नीतिकारों की नीति बतलाई है, ये वास्तव में बहुत ब्रह्म वाक्य जैसे हैं। आप कोई भी काम हुआ और आपके अनुकूल हो गया तो आनंद होता है, लेकिन वो कार्य किसी और के द्वारा नहीं स्वयं के द्वारा किया गया था तो आनंद कई गुना हो जाता है। स्वयं के द्वारा किया गया प्रयत्न यदि सफल हो जाए तो आनंद बहुत होता है। किसी से कह करके हमने काम कराया, वो सफल हो गया, और हमने खुद ने ही किया और काम हो गया तो कितना आनंद आएगा। जैसे कहते हैं ना, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन भी विशेष स्वादिष्ट लगता है, भले ही रोटी जल जाए लेकिन उसके बावजूद भी अपने हाथ की है। ये कह रहे हैं स्वयं के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अधिक प्रीतिकर होता है। गुणमाला अपने तोते को जीवंदर कुमार के पत्र सहित आता हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि किसी कार्य विशेष के लिए किया हुआ अपना प्रयास सफल होने पर मनुष्य आनंदित होता ही है। ये सब सरल बातें चल रही है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझे कि ये कुछ समझा ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ समझने योग्य है इसमें? सब समझदारी है, सब समझे हुए ही है। देखिए गुणमाला के माता पिता का भी प्रसन्न होना, बात माता पिता तक चलेगी। पितरा वेत दाकर्ण्य मुमुदाते प्रशं पुनः दुर्लभो ही वरो लोके योग्यो भाग्य समर्पित है। फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों? खुद नहीं पसंद कर लिया अपने लिए लड़का, नाराज नहीं हुए? ऐसा होता है ना जगत में, ऐसा देखा जाता है कोई लड़की यदि अपने लिए स्वयं लड़के का तलाश कर ले रहे तो माता पिता नाराज होते हैं, लेकिन यदि जिस लड़के को चुना है वो बहुत उत्तम हो, बहुत योग्य हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो माता पिता नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न ही होंगे। कितनी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि जो चुनाव किया गया है ये चुनाव बहुत योग्य है। यदि विधर्मी के यहाँ हो ऐसा हो जो योग्य नहीं हो, जो लोक निंदा का कारण बने, तब तो उसको बुरा भला कहेंगे, उसको मना करेंगे, निषेध करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ कैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है कि बेटा तूने जो चुना है ये बहुत योग्य चुना है और बहुत प्रसन्नता की बात है। ऐसा बलशाली, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा योग्य, और राजकुमार तो अभी पता नहीं है किसी को भी कि वो राजकुमार है, राजा बनने वाला है, इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता बहुत आनंदित हुए। देखिए आप, फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। निश्चय से, नीतिकार कह रहे हैं वही बात, निश्चय से इस संसार में भाग्यवान उत्तम वर का मिलना, वर वर जानते हैं आप, वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और दूल्हे के लिए वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं,
वर शब्द का अर्थ तो डिक्शनरी में मिलता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो। प्रवर, प्रवर अब लिखा आपने पंडित प्रवर, टोडरमल जी कहते पंडित प्रवर माने विशेष रूप से उत्कृष्ट। तो वर शब्द का अर्थ तो उत्कृष्ट होता है, तो फिर दुल्हे का पर्यायवाची क्यों हो गया कि अपनी कन्या के लिए जो ये आया है ये घोड़ी पर बैठकर जिस जो हमने चुना है ये पूरी दुनिया में हमारी पुत्री के लिए इससे योग्य कोई दूसरा नहीं था, इसलिए ये श्रेष्ठ है, इसलिए वो दुल्हे का पर्यायवाची जैसा हो गया वर। तो वधू का क्या हुआ है? वधू का जो वर को जो भाए वो वधू। तो वर माने श्रेष्ठ। और देखो यदि सच में यदि आपको ऐसा लगे कि इस लड़के से अधिक कोई दूसरा लड़का श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है तो कोई माता पिता अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से नहीं करेंगे। यदि कोई और बेस्ट दिख रहा है ना तो फिर वो उससे ऊपर उत्कृष्ट की ही बात सोचेंगे। माने हमारी निगाह में अपनी पुत्री के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और दूसरा नहीं है। तो वो वर को पाकर ऐसे वर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कौन जो भाग्यवान हो इस संसार में ऐसे उत्तम वर का मिलना ये अत्यंत दुर्लभ है। जब गुणमाला के माता पिता ने पूर्वोक्त सब समाचार सुने तो उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सारे समाचार सुनाए उसने, फिर अब क्या कहती, अब कहना तो पड़ेगा ही कि मैंने ऐसा भेज दिया था। फिर उनका ऐसा जवाब आ गया क्योंकि कन्या के लिए भाग्यशाली गुणवान और योग्य वर मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। दुर्लभ माने कठिन है। अभी देखो आचार्य देव कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, कहां कहां तो जनागम में सर्वत्र बोधि दुर्लभ की चर्चा की है, ज्ञान की दुर्लभ की चर्चा की है। ज्ञान दुर्लभ है, भेद विज्ञान दुर्लभ है, संयम दुर्लभ है, मोक्ष की प्राप्ति करना दुर्लभ है, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेना दुर्लभ है, रत्नत्रय दुर्लभ है, ऐसी दुर्लभता की चर्चाएं सारे जनागम में की है। और ये यहाँ नीतिकारों के वचन कहते हुए ये आचार्य देव किसे दुर्लभ कह रहे हैं? बोले तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मिल जाना बहुत दुर्लभ है, अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाना ये अत्यंत दुर्लभ है। ये कैसी दुर्लभता की बात यहाँ ये कही जा रही है। कहने का अभिप्राय यह है इनके सानिध्य में भी तो मोक्ष मार्ग में लगेंगी। हाँ, इनके सानिध्य में भी मोक्ष मार्ग में लगेंगी। माने ये नीति शैली है सब, ये प्रथमानुयोग की शैली है। चारों अनुयोगों की अलग अलग शैली हुआ करती है, प्रतिपादन की शैली अपनी अपनी है। प्रथमानुयोग अपनी स्टाइल में बात करता है। चार अनुयोग पता है ना, प्रथमानुयोग क्या काम करता है? प्रथमानुयोग हमारा जिनागम हमारे जैन शास्त्र चार शैलियों में लिखे गए हैं। एक का नाम है प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग क्या काम करता है? कैसा? कहानियां, कथाएं, प्रसंग, उदाहरण, ये इस शैली में बात करें। तो ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं ये प्रथम अनुयोग का ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा है चरण अनुयोग। चरण माने होता है आचरण, तो चरणानुयोग आचरण की चर्चा जिन ग्रंथों में हो, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार, श्रावकों के योग्य आचरण, मुनिराजों के योग्य आचरण, मूलाचार, तो ऐसे जो ग्रंथ हैं श्रावकाचार, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। क्या करना चाहिए ये शैली चरणानुयोग की है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, चाहिए शब्द जो आया ना, ऐसा करना चाहिए। जैसे अभी पीछे अभी चरणानुयोग मिश्रित प्रथमानुयोग है, क्योंकि पीछे जो श्लोक कल हमने पढ़ा था, मधुर व्यवहार या वचन बोलने चाहिए, ये चरणानुयोग की शैली है। कहानी बता रहे हैं ये प्रथमानुयोग है, और मधुर वाणी आपकी होनी चाहिए ये चरणानुयोग है। दो, कर्णानुयोग में कर्म सिद्धांत की चर्चा, गुणस्थानों की चर्चा, जैन ज्योग्राफी की चर्चा, ये कर्णानुयोग, और द्रव्यानुयोग में आत्मा परमात्मा की चर्चा, सात तत्व छह द्रव्य की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा, वो क्या है? द्रव्यानुयोग। तो यहाँ चर्चा किसकी चल रही है?
कि साहब आप ये क्या उपदेश दे रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो आप, ग्रंथ लिख रहे हो आप और शादी करने को अच्छा कह रहे हो, सारे जिनागम में ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया गया और तुम यहाँ विवाह करने को और योग्य वर तलाशने को इसको दुर्लभ कह रहे हो, क्या ये दुर्लभ है ऐसी बातें कि भाई ये प्रथमानु योग की शैली है, मोक्ष मार्ग में तो लगाना ही है। गृहस्थ दशा में रह करके भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान, निर्मोहो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, मुनि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है। मोही मुनि होकर के भी यदि मोही हो और गृहस्थ दशा में रह करके भी निर्मोही हो, दर्शन मोह से रहित सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने लिखा है, यदि कोई मुनि पद अंगीकार करके भी हाथ में पीछे कमंडल लेकर के भी श्रावकों में शिष्यगण में और घर परिवार के लोगों में परिचित लोगों में मोह रखते हो नेह माने स्नेह रखते हो और कोई गृहस्थ होकर यदि भेद विज्ञानी है, गृहस्थ घर गृहस्थी परिवार सहित होते हुए भेद विज्ञानी है तो वो गृहस्थ उन मुनिराजों से ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बात समंत भद्राचार्य कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य। तो अभी जीवंधर कुमार की ये गृहस्थ दशा है, मोही मुनि से तो अच्छा कहा है लेकिन गृहस्थ दशा ही अच्छी हो ये तो नहीं है, समय पाकर के इनकी ये गृहस्थ दशा भी छूटेगी, मुनिव्रत अंगीकार करेंगे और मुनि बनकर आत्म साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति भी करेंगे। देखिए दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति का चित्रण, अब ये बीच में दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति, अच्छे काम होते हुए को बिगाड़ने वाले लोग भी तो होते हैं दुनिया में, ये कैसे इसके इनके सारे काम अच्छे अच्छे कैसे हो रहे हैं, हाँ विलेन नहीं आएगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा, कहानी कैसे बढ़ेगी आगे। देखिए अथा मुष्यायणो कोचिन्नीतो गंधोत्कटान्तिकम् नैहि नीच मनोवृत्तिरेक रूपा स्थिता भवेत्। आपको मालूम है ये जो पिक्चर चल रही है इस पिक्चर का हीरो कौन है, जीवंधर कुमार, और विलेन कौन है यहाँ, काष्ठांगार, तो ये काष्ठांगार आने वाला है, आएगा यहाँ नहीं आएगा क्या, अभी तो नहीं आ रहा है, देखो कौन है अभी, कौन क्या कहता है यहाँ। इसके अनंतर प्रसिद्ध कोई दो पुरुष गंधोत्कट के समीप गए, गंधोत्कट कौन था, जीवंधर कुमार का पालन पोषण जिसने किया, जीवंधर कुमार यद्यपि राजपुत्र थे, मैं पुनः एक बार नए लोगों की दृष्टि से बात करता हूं, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुराने समय से चल रही है, कि साहब कुछ समझ में नहीं आ रही, कि सुनो ये लंबी कहानी है पिछले 6 महीने से चल रही है और उस 6 महीने में ये 26 साल के हो गए जीवंधर कुमार। घटना ऐसी थी कि ये राजा सत्येंद्र के पुत्र थे जीवंधर कुमार, राजा सत्येंद्र का मंत्री या सेनापति काष्ठांगार नाम के व्यक्ति ने राज्य को हड़प लिया, राज्य को हड़प लेने पर जीवंधर कुमार गर्भ में थे, रानी विजया के गर्भ में राजा सत्येंद्र के पुत्र, उसने राज्य को हड़प लिया, राजा ने अपने पत्नी को एक विमान में बिठाकर भेज दिया, हाथ से चलने वाले लकड़ी के यंत्र विमान में बिठा के भेज दिया, राजा का उसके साथ में युद्ध हुआ, अंत समय आने पर राजा ने दीक्षा ली और राजा का तो स्वर्गवास हो गया, और जिस विमान में पत्नी को बिठा करके भेजा था वो जंगल में शमशान में वो विमान भी टूट गया और वो शमशान में गिर गया और वहीं जीवंधर कुमार का जन्म हुआ, कहाँ पे, शमशान में, जीवंधर कुमार का जन्म शमशान में हुआ, वो घबरा गई और उसी समय पर वहां एक देवी प्रकट हुई, दाय के रूप में, और वो उसने आकर के कहा कि तुम चिंता मत करो,
अभी कोई एक योग्य व्यक्ति आएगा और इसका राजसी ठाट बाट से इसका लालन पालन करेगा, माता को संतुष्ट किया। कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा, वो हाथ में मरा हुआ बच्चा लेकर के आएगा और जिंदा ले जाएगा। ऐसी बात उसने कही तो इतने में क्या हुआ, ये बात पूरी हुई थी कि सामने से एक व्यक्ति को सच में आते हुए देखा, तो दाई की बात पर उसे भरोसा हो गया। भरोसा हो गया तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गई विजया, और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ा तो उसके हाथ में राज मुद्रा दे दी हथेली में, जिससे पता लगे कि भाई ये कोई अनाथ बच्चा नहीं है, ये राजपुत्र है, इस बात का पता लगे। ऐसे ही ये गंधोत्कट सेठ, इसके पुत्र होते थे और वो मर जाते थे। सेठ गंधोत्कट इसकी रानी थी, जिसके पुत्र होते थे वो मर जाया करते थे। उसने किसी मुनिराज से कहा तो मुनिराज ने कहा, सुनो अभी जो अभी ये तुम्हारे जो और पुत्र होने वाला है ना, ये भी मरा हुआ ही होगा, लेकिन जब तुम इसे शमशान में ले जाओगे तो वहां तुम्हारे को एक दूसरा पुत्र मिलेगा और उसको ले आओगे, उसके बाद में तुम्हारी रानी के जो पत्नी के जो भी पुत्र होंगे वो जिंदा रहेंगे। ये मुनिराज से उसके भी ये घटना, गंधोत्कट को भी ये बात कही गई थी और इधर से रानी को भी ये बात पता थी। तो वो तो पुत्र मरा हुआ हुआ, गंधोत्कट के पुत्र मरा हुआ हुआ, तो वो लेकर के आया और जंगल में लाकर के शमशान में लाकर के अपने मरे पुत्र को तो रखा और इधर उधर तलाशने लगा, क्योंकि मुनिराज ने कही थी कोई जिंदा मिलेगा। अब वो जिंदा दिख गया और उसे उसने देखा और अत्यंत सुंदर वो बालक था, और जैसे ही देखा उसके हाथ में राज मुद्रा तो वो समझ गया, ओहो ये तो राजा का पुत्र है। और कामदेव का जीव था, बहुत सुंदर था। उसने राज मुद्रा को तो छिपा लिया सेठ ने, और घर ले जाकर के पत्नी से कहा, अरे तुम्हारे ये पुत्र जिंदा था, तुम मरा कह करके मुझे जबरदस्ती भेज दिया, क्या हो गया तुम्हारे को लो मैं वापस ले आया इसको। तो वो सेठ के यहाँ लालन पालन होने लगा उसका। तो जीवंधर कुमार इस तरह सेठ के यहाँ पलने लगे। अब सेठ को तो पता है इस बात का, बाकी प्रजा को किसी को इस बात का पता नहीं है। हाँ सेठानी को भी पता नहीं है, अपना ही समझ करके पाल रही है। देखिए फिर बीच में एक और घटना बीच में जुड़ी थी, जिसमें आचार्य, क्या नाम, आर्यनंदी गुरु, गुरु आर्यनंदी, वो उनके कोई एक भस्मक व्याधि रोग हो गया था, वो रोग इस बालक से दूर हुआ। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई तो जीवंधर कुमार को कह दी चुपचाप ये बात कि तुम राजपुत्र हो तो जीवंधर कुमार को तो पता लग गई क्या। तो जीवंधर कुमार को जैसे ही पता लगी, अपने गुरु कोई ज्ञानी थे, कोई मुनिराज थे, वो उनका रोग दूर हुआ था उपकार के लिए, ऐसी घटना बीच में एक कहानी नहीं जुड़ी थी। उसने जीवंधर कुमार ने कहा कि अच्छा काष्टांगार सेनापति ने हमारा राज्य ले रखा है, अभी जाकर के मैं उसको उससे अपना राज्य वापस ले लेता हूँ, युद्ध करता हूँ उससे। सो उसके गुरु ने मना कर दिया कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं एक साल के लिए तुम्हारे से शांत रहने के वो मांगता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। और जीवंधर कुमार को कहा एक साल के लिए तुम शांत रहो, किसी को कहना मत, ये बात उसे पता लग जाए ये ठीक नहीं है, अभी शांति रखो। तो जीवंधर कुमार शांत है, जीवंधर कुमार को स्वयं को पता है कि मैं ही इस राज्य का अधिकारी हूं, और सेठ को भी पता है कि ये राज्य का अधिकारी है, अब बाकी प्रजा को किसी को मालूम नहीं है। और यहाँ ये देखिए अब क्या स्थिति बनती है, एक शादी हो चुकी इसकी है, एक शादी हो चुकी, अभी देखो क्या क्या कह रहे, कहाँ हो चुकी अभी, हाँ 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 गंधर्व दत्ता से, गंधर्व दत्ता से, हाँ देखो खैर अब देखिए क्या स्थिति बनती है यहाँ। इसके अनंतर अन्वयार्थ पढ़ रहा हूँ, इसके अनंतर प्रसिद्ध कोई दो पुरुष गंधोत्कट के समीप गए, अर्थात उन्होंने जीवंधर कुमार एवं
गुणमाला की प्रीति को अनुचित बताकर चुगली की दो पुरुषों ने। नीतिकार कहते हैं, निश्चय से नीच मनुष्य के मन की वृत्ति हमेशा एक सी स्थित नहीं रहती है। मन की वृत्ति उसकी जो नीच मनुष्य है ना, वो स्थिति बड़ी विचित्र रहती है उनकी।